हाय, मेरा नाम विनोद कुमार है, मैं PCRA के लिए काम करता हूँ। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे देश में पेट्रोलियम पदार्थों की जो खपत है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, और पेट्रोलियम पदार्थों का हम लोगों का 85% से ज़्यादा हम लोगों को बाहर से मंगाना पड़ता है। तो इसके ऊपर हमारी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का बहुत खर्च होता है। ना केवल पेट्रोलियम पदार्थों को लाने में विदेशी मुद्रा का खर्च होता है, बल्कि इसको खपाने से पॉल्यूशन का बहुत ज़्यादा खतरा सोसाइटी के ऊपर बढ़ रहा है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम पेट्रोलियम पदार्थों का कंजम्पशन बहुत सोच समझ के साथ करें। वक्त का तकाजा है कि पेट्रोलियम पदार्थों का ना केवल सोच समझ कर इस्तेमाल करें, बल्कि इसे बचाने के उपाय भी अपनाए जाने चाहिए। और दोस्तों, इसे पेट्रोलियम पदार्थों को बचाना कोई बहुत मुश्किल कार्य नहीं है। हम छोटे छोटे आसान से स्टेप लेकर के काफ़ी हद तक पेट्रोलियम बचा सकते हैं। जैसे कि अगर हम कार का प्रयोग करते हैं रोज ऑफिस आने के लिए, यदि हम रेड लाइट के ऊपर अपने इंजन को बंद करें तो उससे हम काफ़ी मात्रा में पेट्रोल बचा सकते हैं। यदि हम अपने इंजन की ट्यूनिंग, टायरों में हवा का दबाव, इन छोटी छोटी वस्तुओं का ध्यान रखें तो हम अपनी माइलेज को बढ़ा सकते हैं और पेट्रोल की कंजम्पशन को कम कर सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर लोग ये देखा है कि अकेले कार में ट्रेवल करते हैं, एक ही लोकेशन से हम लोग ऑफिस के लिए जब निकलते हैं, अगर हम कार पूल का प्रयोग करें तो जहाँ कार चार कारें चलती हैं वहाँ चार व्यक्ति एक कार में चल सकते हैं, यानी कि हम 25% तक अपनी कंजम्पशन को ला सकते हैं, यानी 75% की सेविंग कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और व्यवहारिक तरीके हैं जिनसे हम पेट्रोलियम का काफ़ी हद तक बचत कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम घर में जब खाना बनाते हैं, यदि हम खाना बनाने में प्रेशर कुकर का यूज़ करें या दालों को जब बनाते समय अगर उन्हें भिगो करके बनाएं, तो हम काफ़ी हद तक घर में अपने गैस की कंजम्पशन को कम कर सकते हैं, जो ना केवल हमें पैसा बचाने में मदद करेगी मगर बहुमूल्य पेट्रोलियम पदार्थों की सेविंग में भी हमें सहायता करेगी। तो अंत में मैं आप सभी से यह कहना चाहूँगा, अधिक ईंधन ना खपाएं, आओ पर्यावरण को बचाएं। थैंक यू।